हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि मैंने देहरादून में कहाँ शूट किया और थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी दिखाया, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भी मुझे छुट्टी थी तब मैं देहरादून में कहाँ कहाँ घूमी। हाँ, शॉपिंग की थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा शौक, तो मैं जहाँ पे भी जाती थी कुछ ना कुछ खाती थी। इतना तो बनता ही है, नए शहर में हो, नई जगह पे हो, तो वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आपको वो ट्राई करना ही चाहिए, है ना? तो आइए देखते हैं कि मैं अकेली अकेली देहरादून शहर में कहाँ कहाँ घूमी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का लोकल जो शेयर ऑटो है विक्रम, वो ट्राई किया और मैं पहुँची अपने होटल से घंटा घर तक। ये रहा घंटा घर और ये रहा पल्टन बाज़ार। यहाँ पे इतनी वैरायटी है स्वेटर्स की, शॉल्स की, बैग्स, शूज़। ये मार्केट इतना लंबा और इतना बड़ा है कि आप खो जाओगे एक बार तो। वैसे नहीं खोओगे, शॉपिंग में खो जाओगे। मैं जो है अभी घंटा घर से चल के जा रही हूँ तिब्बतियन मार्केट की तरफ। मैंने सुना है कि वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, एंड लेट्स सी वहाँ मुझे कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। यहाँ से मैंने एक स्वेटर लिया है, कुछ ज्वेलरी ली है छोटी छोटी सी, एंड अभी वहाँ चलते हैं। तो मैं चलते चलते पहुंची हूँ ये तिब्बतियन मार्केट। यहाँ लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत गर्म कपड़े हैं, जैकेट्स, शॉल्स, स्वेटर्स, मफलर्स, आपको जो चाहिए वैरायटी है यहाँ पे। खैर, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ आई थी कुछ ज्वेलरी लेने के लिए जो मुझे मिली नहीं, लेकिन जैसे मैं मार्केट क्रॉस कर रही थी तो मुझे एक लड़का दिखा जो खाना लेके आ रहा था, और वो टिपिकल तिब्बतियन खाना था। तो ये इतने एक्स्ट्रा गर्म कपड़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं, तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला ये छोटा सा खजाना। यहाँ बाहर सड़क की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ट्रैफिक की, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा है कि एक छोटा सा तिब्बतियन जॉइंट है, सिर्फ 3 टेबल है, ओपन किचन है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। बाहर सड़क पे काम चल रहा था फिर भी अंदर इतना क्लीन था। उन्होंने मेरे हैंड सैनिटाइज़ करवाए, उन्होंने टेबल सैनिटाइज़ किया, और यहाँ पे जो साइड में सॉसेस वगैरह रखे हैं जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये काटा चम्मच सॉसेस, ये सब बिल्कुल सही से रखा हुआ है, साफ़ रखा हुआ है और बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। बहुत क्लीन किचन है ये। ये है घंटा घर का नज़ारा रात में, बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, अच्छा ब्राइट है, बहुत सुंदर है, एंड मार्केट की वाइब इतनी अच्छी आती है। अब घूम घाम के भूख तो लगेगी, तो मुझे ये एक जॉइंट मिला छोटा सा जहाँ बैठने की भी जगह थी, और ये है मोमोज, उसके साथ ये जो चिली सॉस होता है वो, और ये एक ग्रीन चटनी दी है जो मैं पहली बार मोमोज के साथ खा रही हूँ, तो वो भी है, ट्राई करते हैं कैसा है। ये ट्राई कर रही हूँ मैं अपने मोमोज, और ये लिया पहला बाइट, और ये जो क्वेश्चन मार्क है मेरी शक्ल पे वो इसलिए है क्योंकि मैंने चिकन मोमोज ऑर्डर किए थे और ये शायद वेज आए हैं, लेकिन बहुत टेस्टी थे। मैं बहुत थकी हुई थी और काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑडियो निकाल दिया है क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इस वीडियो में।
अब मैं जो बोल रही हूँ वो है कि मैं अभी ये ग्रीन चटनी ट्राई करने वाली हूँ, और हमेशा रेड चटनी खाते हैं, ये ग्रीन चटनी अनियन वाली है और बहुत टेस्टी है। तो पल्टन बाज़ार को लग के ये गली है जहाँ पे ये चाट की दुकानें हैं। मुझे चाट, भेल, पानी पूरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। मैंने खाई यहाँ पे टिक्की पापड़ी चाट। इस गली के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड पूजा ने बताया। आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, एंड ये चाट इतनी डिलीशियस थी कि अभी याद करके भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये चाट तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन पानी पूरी के बिना ये एक्सपीरियंस अधूरा है। तो आज है डे टू ऑफ छुट्टी, एंड मैंने सोचा कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। मैंने गूगल किया और मैंने देखा कि यहाँ का एडीज़ कैफ़े बहुत फेमस है, तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं वहाँ जाऊँ। मुझे पता नहीं था यहाँ पे ओला अवेलेबल है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड ये देखिए, बिल्कुल धूप नहीं है एंड इट्स क्वाइट विंडी, और बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। मेरा मास्क रेडी है एंड आई एम रेडी टू गो। तो हम पहुंच चुके हैं एडीज कैफ़े। ये जो छोटा सा रास्ता है सीढ़ियों वाला, हमको यहाँ से अभी ऊपर जाना है, तो चलते हैं ऊपर। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत नाम सुना है मैंने एडीज का, और बस अब हम पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बाहर कैसा है। बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं और बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे टेबल्स हैं। द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी गुड, स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर। यहाँ अंदर एसी सेक्शन है और बाहर एक टेरेस सेक्शन है। ये रहा आपका मेन्यू, कॉफ़ी। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कुछ ओल्ड पिक्चर्स उन्होंने लगाए हैं। यहाँ नीचे बुक्स रखी हैं पढ़ने के लिए, लिखा है कि पढ़ने के बाद बुक्स वापस रख दें। और मैंने भी यहाँ से एक बुक ली थी जब मैं अकेली यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रही थी, कॉफ़ी पी रही थी। मैंने ये सैंडविच और ये कॉफ़ी ऑर्डर की, दोनों ही बहुत अच्छे थे। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है, वो है ये ब्लूबेरी चीज़ केक, इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस। फिर दूसरे दिन मैं यहाँ पे आई, ये है कैफ़े डी पिकोलो, ये है राजपुर रोड पे, और ये तो कुछ अलग ही था भाई साहब। ये इतनी सुंदर जगह है कि मैं यहाँ घंटों बैठी रही। मैं सुबह आई यहाँ पे और मैंने प्रॉपर यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट किया, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सॉसेजेस, हैश ब्राउन, टोस्ट, बीन्स, और फिर मैंने खाया ये चॉकलेट क्रेप जो बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। तो ये थी मेरी देहरादून की जर्नी। अब हम बॉम्बे आ गए हैं, बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, और किसी एपिसोड में मैं आपको ले जाऊंगी बॉम्बे के सेट पे। और आगे के एपिसोड में मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगी ये तो आपको एपिसोड देखने में ही पता चलेगा ना। इसीलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं कब अपना एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। और मैं जल्द ही अपने थर्ड एपिसोड के साथ आऊँगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।